हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मिताज लाइव। कैसे हो आप सब? तो आज का ये क्लिप देख के या व्यू देख के आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो हाँ, मैं सुप्रिया की शादी के बाद अपने मायके रांची आई थी, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ हो गया था कि मुझे इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ा कि मैं यहाँ पे आऊँ। इसका रीज़न ये था कि इरा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और सुप्रिया की शादी में उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ऐसा नहीं है कि बनारस में डॉक्टर नहीं थे या मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, बट क्या होता है ना कि बाय बॉर्न बॉटम ये रांची से हैं, तो इनके जन्म से जिन डॉक्टर ने इन्हें देखा है उनकी दवाइयाँ इन्हें बहुत सूट करती है। तो ये बार बार फ्रिक्वेंटली जब बीमार पड़ रही थी, बार बार इसे फीवर आ रहा था, तो मैं बहुत डर गई थी। मैं हीरा को लेकर बहुत पजेसिव हूँ। इसका रीज़न क्या है मैं कभी आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो मैं सोची कि मैं क्यों ना एक बार वहाँ मिलूं, डॉक्टर से कंसल्ट करूं कि क्या रीज़न है। बट थैंक्स गॉड, मैंने सब चेकअप करवाया है आने के साथ ही, तो कुछ भी नहीं निकला। ये बस इन्फेक्शन, डॉक्टर ने बताया कि कोई इन्फेक्शन की वजह से या छोटे बच्चों का एंटीबॉडीज़ बनती है अप टू 5 ईयर्स तक, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो बार बार उसकी इम्यून सिस्टम लो हो रही होगी और इन्फेक्टेड होने की वजह से उसे फीवर पर आ रहा होगा, या फिर कभी बच्चों को वेदर भी नहीं सूट करता है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गई थी, तो हो सकता है वो भी रीज़न है। इसलिए डॉक्टर ने पूरे चेकअप करने के बाद यही रीज़न बताया, तो मैं इतनी रिलीफ फील की। तो इस वजह से मैं आज एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ जिसे मैं बहुत मानती हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ मेरी हर मन्नत पूरी हुई है। तो जब ये बीमार थी और मैं इतनी परेशान थी, तो भी मैंने मन्नत मांगा था वहाँ जाने के लिए। और ये जब इरा मेरे लाइफ में इवन नहीं आए थे, तो भी मैं मन्नत मांगी थी कि मैं उस जगह पे ज़रूर आऊँगी, तो मैंने वहाँ मन्नत बांध रखा था। तो मुझे जाना ही था, मैं लास्ट टाइम नहीं जा पाई थी, तो आज मैं वहाँ पर जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं एक बार यहाँ के डॉक्टर के कंसल्ट करूँ, क्योंकि वो बार बार उसकी तबीयत ख़राब हो जा रही थी। बस थैंक्स गॉड अब सब नॉर्मल है, मैंने उसका पूरा चेकअप करवाया, सब ठीक है। तो आज मैं एक्चुअली जा रही हूँ, यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ पर जा रही हूँ, पहाड़ी मंदिर। अब सुबह के 7 बजे अभी जस्ट मैं उठी हूँ और फ्रेश अप होके अब जा रही हूँ नहाने, और चलते चलते यार बुआ भी आ रही है, तो बुआ के साथ हम निकलेंगे, बस उन्हीं का वेट हो रहा है। तो कुछ लोग नहा चुके हैं, कुछ लोग रेडी होना बाकी हैं, इराई व्यान उठ चुके हैं और उनका चल रहा है मालिश और ब्रेकफास्ट। तो फिर मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद इरा कहाँ जा रही हो घूम घूम करने? हम लोग हो गए हैं तैयार और वेट हो रहा है रेणु बुआ का। रेणु बुआ लेट करती हैं और हम लोग 1 घंटे से उनका वेट कर रहे हैं। वो घाटी में कहीं पे है फंसी हुई। इवियन, इवियन से हेलो। इवियन कहाँ जा रहा है? इवियन कहाँ जा रहा है? इवियन जा रहा है बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने। इवियन कहाँ जा रहे हो? हेलो कर दो, हेलो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। इधर आओ। तो हम सब पहाड़ी मंदिर पहुंच चुके हैं, और एक चीज़ मैं आप सबको और मेंशन करना चाहूँगी कि हमें ऐसा लग रहा था कि बुआ ने लेट कर दिया, लगता है कहीं वो फंस गई या किसी काम में बिजी हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम जाएं और पट बंद हो जाए। बट हमारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया और हमें इतना अच्छा लगा, बुआ ने बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया। वो हम सबके लिए खाना बना कर लाई थी, इतना सारा कि उनका था कि हम वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो चलो एक पिकनिक जैसा हो जाएगा, क्योंकि बचपन में अक्सर बुआ की
फैमिली और हम साथ में जाते थे और हम घर से खाना बना के ले जाते थे और दर्शन करने के बाद हम वहाँ पे बैठ के एक पिकनिक जैसा टाइम स्पेंड करते थे। तो उन्होंने वही सोचा और हमारा ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं था। हमने सोचा था कि हम उतरने के बाद कहीं रेस्टोरेंट में खाएंगे क्योंकि अब तो बहुत डेवलप हो गया, पहले कोई रेस्टोरेंट नहीं था बस। लेकिन स्पॉट बहुत ही अच्छा है, जगह बहुत ही अच्छा है। अगर कभी रांची आओ आप तो आप यहाँ पर ज़रूर जाओ क्योंकि बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। बहुत हाइट पे है तो एक व्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो जब बुआ आई उन्होंने हमें बताया कि वो खाना बना के लाई हैं ढेर सारा सबके लिए, और वो उन्होंने बोला कि बस मैट रख लो और हम सब वहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, हम पिकनिक मनाएंगे। तो हम इतने इतने खुश हो गए, एकदम बिल्कुल इमोशनल वाला चीज़ आ गया। हमें ऐसा लगा कि अरे यार, मतलब बुआ ने सबके लिए इतना सोचा और अकेले बनाया। सबसे बड़ी बात उन्होंने हमें मेंशन करके बताया भी था, बिल्कुल सरप्राइज़ दिया उन्होंने ये चीज़। और वो सुबह से उठ के सबके लिए इतने खाने बना के ला रही थी और हम सोच रहे थे कि बुआ लेट हो गई क्या। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ब्लॉग में फिर से बुआ को बोलूँगी थैंक यू बुआ। तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बचपन की याद बिल्कुल ताज़ा हो गई। तो हम बहुत पहाड़ी मंदिर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ हैं, 400 सीढ़ी है। पहले तो इतनी मेंटेन भी नहीं थी बट अब बहुत ही अच्छे से बना दिया गया है, ऊपर से शेड भी लगा दिया गया है क्योंकि बहुत मान्यता है। और रांची में अगर कोई विजिट करने आता है, टूर के लिए आता है, तो वन ऑफ द दिस प्लेस की यहाँ पे ज़रूर आता है। तो हम भी काफ़ी दिन बाद आए। एक्चुअली मेरा तो मनना था मुझे आना ही था, तो मैं सोची कि मैं इस टूर में तो मैं इसको बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी। तो बस भोलेनाथ के दर्शन के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर में। फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हाइट काफ़ी ऊंचा था, तो मम्मी थोड़ी सी थक गई थी, हमें भी थकान हो गई थी, तो हम थोड़ी देर बैठ गए थे। अब हम ऊपर पहुंच गए हैं और जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं बता दूं कि यहाँ पे सबसे ऊंचा झंडा लगा हुआ है इंडिया का, तो जिसकी हाइट सबसे ऊंची है पूरे इंडिया में, ऐसा झंडा यहाँ से लगा हुआ है जिसकी हाइट सबसे ऊंची है।
तो हम जा रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने भोलेनाथ की। रांची का नज़ारा जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सामने में लेक दिख रहा है वो रांची का बड़ा तालाब बोलते हैं, वो लेक है। और ऊपर से काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था उसमें मंदिर में, तो काफ़ी चेंजेस लग रहा था। और हम बस जलवाएंगे, उसके बाद हम पूजा करेंगे। Yeah.
एक ही बार हमारा पूजा हो गया है और इतने अच्छे से दर्शन हुआ जितना हमने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छे से हमने सबने दर्शन किया, मन्नत का धागा खोला, फिर मन्नत के धागा बांधे भी कुछ लोग, और बहुत अच्छे से दर्शन किया। और अब हम उतर रहे हैं और जा रहे हैं, देखते हैं कोई प्लेस मिलता है अच्छा सा तो वहाँ पे हम बैठ के फिर लंच करेंगे। इरा पिकनिक मनाने आई है। इरू इरा को भी प्लेट चाहिए, इरा को भी प्लेट चाहिए। इरियान बुआ इन लोग को प्लेट लेके प्लेट क्या क्या चाहिए। हमारा लंच हो चुका है और हमें काफ़ी अच्छा जगह मिल गया था जहाँ पे हम सेपरेटली बहुत अच्छे से लंच किए। नीचे हम आ गए हैं और उसके बगल में ही शनि मंदिर है, तो शनिवार था तो इस वजह से हम यहाँ पे आए और शनि मंदिर में। तो अब हम फाइनली रिटर्न हो रहे हैं घर और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।